देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बन रही फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने इसमें मनमोहन सिंह का किरदार निभाया है। ट्रेलर से पहले ही अनुपम खेर अपने लुक को लेकर काफी सुर्खियों में रहे थे। फिल्म का निर्देशन विजय रत्नाकर गट्टे ने किया है। हंसल मेहता इसके क्रिएटिव प्रोड्यूसर है। बता दें कि चुनाव से ठीक पहले फिल्म रिलीज होगी, इस वजह से इसकी काफी चर्चा भी है। कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पर हमले के लिए फिल्म रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। फिल्म में अनुपम खेर के अलावा अक्षय खन्ना भी लीड रोल में है। अक्षय ने संजय बारू का किरदार निभाया है। संजय बारू पूर्व प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार थे। उन्हीं की किताब पर फिल्म की कहानी आधारित है। ट्रेलर की शुरुआत में मनमोहन सिंह के किरदार में अनुपम खेर नजर आते हैं। संजय बारू का किरदार निभा रहे अक्षय खन्ना शुरू में ही साफ कर देते हैं कि मुझे तो डॉक्टर साहब भीष्म जैसे लगते हैं, जिनमें कोई बुराई नहीं है पर फैमिली ड्रामा के विक्टिम हो गए हैं। फिल्म अगले साल यानी 11 जनवरी को रिलीज होगी। हाय एवरीवन, क्या आपने योयो टीवी ऐप डाउनलोड किया? नहीं तो जल्दी जाइए और डाउनलोड कीजिए योयो टीवी ऐप। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगा न्यूज एंड एंटरटेनमेंट मसाला। जी हाँ, तो जल्दी जाइए और डाउनलोड कीजिए योयो टीवी ऐप।